वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सर्किट्स की बात करेंगे। सर्किट्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आरएलसी और एक होते हैं आरएल। जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है आरएल, और इसको हमने सीरीज में जो है डिस्कस करना है, पैरेलल नहीं डिस्कस करना, ठीक है। अब आरएल जो सर्किट्स हैं वो कौन से सर्किट्स होते हैं जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगी होगी, एक बैटरी के साथ अटैच होगा सर्किट, उसको हम कहते हैं आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है। और अगर हम आरएलसी की बात करें तो उसमें मतलब रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कैपेसिटर भी आ जाएगा। अब आरएल सीरीज सर्किट में हमने दो तरह के जो करंट है उसको देखना है, कौन सा, एक हमने करंट की ग्रोथ को देखना है और एक हमने करंट के डिके को देखना है। सबसे पहले हम जो ग्रोथ ऑफ करंट है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी की ईएमएफ है, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी और साथ में एक इंडक्टर अटैच है। अब यहाँ पे एक स्विच है, अगर हम स्विच को, जो स्विच है उसको हम ए पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और बी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें तो हम जो होगा स्विच हमारा उसको ए पे जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी के ईएमएफ है, या जिसको हम जो है वी वोल्टेज भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो जब हमारे पास उसकी वजह से करंट जो है वो इसके अंदर सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, तो जो कुछ वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है ड्रॉप होगा और कुछ जो है वो इंडक्टर के क्रॉस जो है ड्रॉप होगा। और इसको भी हम पढ़ चुके हैं किस वजह से ड्रॉप होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से, और यहाँ पे जो हमारे पास करंट आ गई उसकी वजह से जो इंडक्टर होगा वो फ्लो ऑफ करंट को जो है वो थोड़ा कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो स्विचेस को एक के ऊपर क्लोज कर दिया और हमने इसके ऊपर जो थ्योरम लूप थ्योरम है उसको अप्लाई करना है। और लूप थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है, हमने ये पॉइंट एक एक्स लिया है, यहाँ से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर जो है वो लूप थ्योरम अप्लाई करना है। अब लूप थ्योरम हमें क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारे पास टोटल वोल्टेज होगा हमने वो देखना है कि जो वोल्टेज है वो कहाँ कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, मतलब टोटल सम ऑफ वोल्टेज देखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा Vx, ठीक है। सेकंड इसमें प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास। अब थर्ड क्या होगा, Vr। Vr कौन सा वोल्टेज है जो कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो रहा है। अब इसके साथ नेगेटिव साइन किस वजह से, क्योंकि ये हमारे पास जो बैटरी का वोल्टेज है उसके ऑपोजिट है, तो इस वजह से इसमें जो हमारे पास Vr है वो टोटल वोल्टेज में कमी लेके आ रहा है, इस वजह से हम इसको माइनस करेंगे टोटल वोल्टेज में से। इसी तरह जो इंडक्टर होता है उसके साथ भी जो है वो नेगेटिव साइन आएगा, जो टोटल जो है वो Vx के ही इक्वल है। अब इस दोनों साइड पे Vx जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बनेगी ई माइनस मतलब एप्सिलॉन ईएमएफ माइनस वी आर इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखें कि हमने जो वी एल है उसको राइट हैंड साइड पे लिया था, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो हमारे पास इंडक्टर वाली ईएमएफ है, ठीक है, उसको हमने पढ़ा ना कि जो ईएमएफ है उसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो जो वी एल है उसको हम एप्सिलॉन एल भी कह सकते हैं, किसके इक्वल होते हैं, एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हुए हम यहाँ पे वी एल की जगह एल डी आई ओवर डी टी पुट कर सकते हैं, तो हम इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एप्सिलॉन माइनस वी आर इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, इस एल को जो है वो इस साइड पे ले आते हैं, डिवीजन में आ जाएगा और हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन फाइनल बन गई थी वो ये बनी थी। अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो एल होगा वो डी आई के साथ चले जाएगा और एप्सिलॉन माइनस वी आर जो वो डी टी के साथ आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें देखो जो वी है हम यहाँ पे जो है ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसकी जगह हम आई आर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो डी आई है वो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, तो इसलिए जो आई वाली टर्म है वो भी हमें इसके साथ लेके जानी पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ को हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे हमने दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेशन ले ली है, ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली, तो एक हमारे पास जो है साइड पर डी टी आ गया। अब देखें कि इंटीग्रेशन में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो एल है, वैसे तो एप्सिलॉन भी कॉन्स्टेंट टर्म है लेकिन वो इसके साथ आई आर के साथ है और डिनोमिनेटर में, इसलिए हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो हम एल को जो वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है आई उसके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, मतलब वन नहीं होगा उसके डेरिवेटिव, तो उसके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए इस वाली सारी टर्म का नेचुरल लॉग और साथ में अंदर वाली टर्म का जो है वो जो मतलब आई के साथ जो भी टर्म आ रही है उसका डिवीजन में आ जाएगी, मतलब ये आपको आती है इंटीग्रेशन और साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इस साइड पे टी प्लस के, अब यहाँ पे के क्या है, के हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी सॉरी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे माइनस एल ओवर एल, इसी वाली इक्वेशन हमने थोड़ा सा क्लियर करके लिख लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया, ठीक है। अब के वही बात मैंने आपको बता दिया कि वो एक कॉन्स्टेंट है, अब के की हमने वैल्यूज कहाँ से लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम के देते हुए तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम के की जो वैल्यू है इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से लेंगे। अब इनिशियल बाउंड्री कंडीशन कौन सी थी, वो कंडीशन के जब हमारा जो सर्किट था वो टाइम
जीरो पे होता है, ठीक है। तब जो बाकी सर्किट की क्या सूरत हाल है उसको हम कहते हैं इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। अब एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास क्या था, करंट भी जीरो था। जाहिर सी बात है जब टाइम जीरो था तभी मेरे पास सर्किट, जब उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ तो मेरे पास जो करंट होगा वो भी जीरो होगा। अब देखें कि हमने ये जो क्वेश्चन नंबर टू है इसमें आई की जगह भी जीरो पुट कर देना और टी की जगह भी जीरो पुट कर देना, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस एल ओवर आर नेचुरल लॉग एप्सिलॉन माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस के। तो हमारे पास जो यहाँ से रीअरेंज कर लें तो के की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के इज इक्वल टू माइनस एल ओवर आर नेचुरल लॉग एप्सिलॉन। इसका हम कह लेते हैं इक्वेशन स्टैटिक। अब तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो इक्वेशन स्टैटिक थी उसको हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया के की जगह, तो हमारे पास ये वाली, सॉरी इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गया। अब इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। किस तरह से रीअरेंज करना है कि ये देखें इस साइड पे भी नेचुरल लॉग है, इस साइड पे भी नेचुरल लॉग है। इस टी को हम जो है दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इस वाली सारी जो टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो टी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये जो हमारे पास है ये वाली टर्म इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें से देखें दोनों में से आर ओवर एल जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से आर ओवर एल जो है उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब नेचुरल लॉग जो है देखें उसमें नेगेटिव साइन, आपको पता है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट में हो तो वो प्लस में हो जाती हैं और अगर हमारे पास वो मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो डिवीजन में हो जाती हैं और इसके उल्ट भी। तो यहाँ पे देखिए हमने जो r r को भी t के साथ ले गया, l को t के डिवीजन में आ गया और नेगेटिव साइन भी उस साइड पे है और बाकी ये वाली टर्म है इसको हमने डिवीजन में लिख दिया। अब हमें इस साइड टर्म को जो वो एंटी लॉग लेना है, ठीक है। एंटी लॉग लेंगे तो ये नेचुरल लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये साइड टर्म्स ऐसे आ जाएंगे, इस साइड पे एंटी लॉग जो है एक्सपोनेंट की बार में ये सारा कुछ चला जाएगा। अब देखिए इसको फिर से हमने रीअरेंज करना है, एप्सिलॉन है इस वाली टर्म में, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे और ये भी एप्सिलॉन वाली टर्म है, दोनों एप्सिलॉन वाली टर्म को एक साइड पे किया एप्सिलॉन उसमें से कॉमन लिया, तो आई आर इज इक्वल टू वन माइनस सी की पावर माइनस आर टी ओवर एल। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम ग्रोथ ऑफ करंट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे जो करंट है उसको एक साइड पे कर लेंगे, बाकी साइड हमको इस तरह से लिख, तो हमारे पास जो ग्रोथ ऑफ करंट है उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, एप्सिलॉन ओवर आर वन माइनस सी की पावर माइनस आर टी ओवर एल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि करंट ग्रो कर रहा है या डिके कर रहा है, तो इसके इसके लिए हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू स्टार्ट में क्या थी और करंट की वैल्यू एंड पे क्या थी। तो स्टार्टिंग के लिए हम जो टाइम है उसको जीरो लेंगे और एंड के लिए जो टाइम है उसको इन्फिनिटी देंगे। तो इस वाली जो इक्वेशन हमारे पास करंट की इक्वेशन जो आई है इसमें हम एक दफ़ा टाइम की जगह जीरो पुट करेंगे और एक दफ़ा हम टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब हमारे पास जो आई की मतलब जो करंट की ये वाली इक्वेशन बनी थी इसमें हमने टी की जगह एक दफ़ा जीरो पुट करना है, एक दफ़ा इन्फिनिटी पुट करना है। जब हमने जीरो पुट किया हमने स्टार्ट वाला पॉइंट देखा, ठीक है, जब टाइम जीरो था, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके जो करंट की वैल्यू है वो जीरो है। किस तरह से, एप्सिलॉन की पावर जीरो हो जाएगी, तो एप्सिलॉन की पावर जीरो हमारे पास वन होता है, वन माइनस वन जीरो और हमारे पास जो है वो करंट की वैल्यू जीरो आ गई। अब हमने देखना है कि टाइम जब इन्फिनिटी हो गया तो इससे एप्सिलॉन की पावर इन्फिनिटी वो जीरो होती है, तो वन माइनस जीरो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो एप्सिलॉन ओवर आर, और यही हमारे पास जो है वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू, मतलब इसका मतलब है कि जब टाइम जीरो था तो करंट भी जीरो था, जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह करंट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास सर्किट है उसके अंदर जो करंट है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो एप्सिलॉन ओवर आर है इसको हम जो है आई नॉट कह देते हैं। तो हमारे पास जो आई वाली इक्वेशन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वन माइनस सी की पावर माइनस आर टी ओवर एल। तो ये हमारे पास है करंट की वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर थी, जो कि हमें करंट की ग्रोथ का बता रही है। अब हमने करंट की ग्रोथ तो देख लिया, सर्किट में हमारे पास जो है वो रेजिस्टर्स भी है और इंडक्टर भी है। हमने देखा था कि जो कुछ पोटेंशियल है जो कुछ वोल्टेज है वो रेजिस्टर से क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो रहे थे, जिसको हमने माइनस वी आर किया था जब हमने लूप थ्योरम अप्लाई किया। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा। तो हमें पता है हम लास्ट से वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे हमने आई की ये जो वैल्यू निकाली इसको हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने आई नॉट के टर्म में नहीं लिखा, बल्कि हमने जो पहले कोई ये नहीं थी हमने उसी टर्म में लिखा है, ठीक है। हमने ये इसमें आई की वैल्यू पुट कर दी, आर आर से कैंसिल हो गया, हमारे पास वी आर की जो टर्म आई है वो है एप्सिलॉन इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी ओवर एल। अब इसमें भी हमने सेम वैसे करना है कि हमने टाइम जीरो पे भी वी आर की वैल्यू देख लेनी है और टाइम इन्फिनिटी पे भी वी आर की वैल्यू जो हमने देख लेनी है। अगर हम टाइम जीरो पुट करें तो ई की पावर जीरो वन वन माइनस वन जीरो, इसका मतलब है कि जब टाइम जीरो था स्टार्ट में, अभी हमारे पास करंट जो वो फ्लो करना शुरू नहीं हुआ तो जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी जीरो होगा। अब अगर हम टाइम इन्फिनिटी की बात करें तो हमारे पास ई की पावर इन्फिनिटी जीरो तो वन माइनस जीरो वन आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो टाइम जब जैसे जैसे बढ़ रहा है जब मैक्सिमम टाइम जब हो गया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो एप्सिलॉन हो गया, और ये जो एप्सिलॉन है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि जो बैटरी है उसका मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई है हमारे पास।
हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस देख लिया, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर देखेंगे। अब हमारे पास, हमने ये वाली इक्वेशन पहले भी देखी थी कि जो वी एल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर है वो एल इज वो इक्वल है एल इंटू डी आई ओवर डी टी। वही आई की जो हमारे पास पीछे वैल्यू आई थी ग्रोथ ऑफ करंट की, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एल भी कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट, तीनों टर्म को हमने बाहर लिख लिया डेरिवेटिव से। बाकी यहाँ पे देखा हम, अब हमने वन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये कॉन्स्टेंट था तो जीरो आ गया। यहाँ पे एप्सिलॉन की एक्सपोनेंट की बार में माइनस आर टी ओवर एल आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे अगर अब हम इसको टी की तरह से एक्सपोनेंट की पावर वाले को डेरिवेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एज इट इज ये वाली टर्म आ जाएगी और जो पावर है उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव माइनस आर ओवर एल आ जाएगा। अब यहाँ ये माइनस आर ओवर एल है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया और आर ओवर एल और यहाँ पे एल ओवर आर है दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर है वो फाइनल टर्म आ गई एप्सिलॉन ई की पावर माइनस आर टी ओवर एल। अब हमने जैसे सेम करंट को और रेजिस्टेंस को देखा था एट टाइम जीरो और टाइम इन्फिनिटी पे, इसको भी हम इसी तरह से देखेंगे। जब हम टाइम जीरो की बात करें तो ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो हमारे पास जो वी एल होगा वो एप्सिलॉन आ जाएगा, और अगर हम टाइम इन्फिनिटी की बात करें तो ई की पावर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो वी एल है वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है और टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास जो है एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो जो हमारे पास है अक्रॉस द सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हमारे पास वोल्टेज जो है वो टाइम गुजरने के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, जबकि इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो इंडक्टर के लिए और जो दूसरी वाली लाइन है हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए। कंक्लूजन की तरफ अगर हम आए तो देखें कि जब हमने टाइम जीरो लिया तो वी आर जीरो था और वी एल जब एप्सिलॉन था, लेकिन जब हमने टाइम इन्फिनिटी की बात की तो वी आर एप्सिलॉन हो गया, वी आर जीरो हो गया, ठीक है। अब इससे हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि हम किसी भी टाइम की बात करें, चाहे हम इन्फिनिटी की बात करें चाहे हम टाइम जीरो की बात करें, तो हमारे पास जो वी एल और वी आर का जो हमारे पास सम होगा वो हमेशा में वन या कह लें कि एप्सिलॉन मैक्सिमम वैल्यू में देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा या टाइम डिक्रीज होगा, जो हमारे पास अक्रॉस द रेजिस्टेंस और अक्रॉस द इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका दोनों का सम जो हमेशा हमारे पास ई एम एफ के इक्वल है। हमने जो ग्रोथ ऑफ करंट था आर एल सर्किट्स में वो हमने देख लिया। अब हम जो है एक छोटी सी टर्म है इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट। इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है कि वो टाइम जब हमारे पास करंट है ग्रोथ ऑफ जो करंट है वो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू में से 63% तक चली जाए, मतलब कि एक जो सर्किट था उसमें जो करंट ग्रोथ कर रहा है वो 100% नहीं है बल्कि 63% तक जो है वो चला गया है उसका जो करंट है, तो उस टाइम को मतलब उतने परसेंट तक जाने के लिए उसका जो टाइम रिक्वायर होगा उसको हम इंडक्टिव टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट इन आर एल सर्किट्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह जो है जब हम हमने वो स्टार्ट में जो सर्किट देखा था कि हम स्विच को जब ए के ऊपर ए के साथ अटैच कर देते हैं ए पॉइंट के साथ, तो हमारे पास ग्रोथ ऑफ करंट होता है। अब अगर हम डिक्री ऑफ करंट की बात करें तो आपने जो स्विच है उसको बी के साथ कनेक्ट कर देना है और बाकी कैलकुलेशन उसकी ऑलमोस्ट ऐसी आपको खुद ट्राई करिएगा। उम्मीद है आज का आप लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपने घरों में रहें, अल्लाह सबको खैर वाफियत से रखें। अल्लाह हाफिज़।